आज हम देखेंगे कि अगर हम कभी गलती से भूल जाएं कि किस सिलेंडर में कौन सी गैस है तो कैसे पहचानें कि कौन से सिलेंडर में कौन सी गैस है। मतलब कि मान लीजिए हमने ये दो सिलेंडर हमारे पास है और इस सिलेंडर पे कोई भी गैस का नाम नहीं लिखा है और एक सिलेंडर में हम इसमें लेके आए थे 410 गैस और एक सिलेंडर में लेके आए थे 22 गैस, तो हम कैसे पहचानें कि किस वाले सिलेंडर में अगर हम भूल गए मान लीजिए तो कैसे पहचानें कि किस वाले सिलेंडर में कौन सी गैस है। तो इसके बारे में सीखेंगे और ये जानेंगे कि क्या रियल में हम इस गैस को लगा करके जान सकते हैं कि ये कौन सी गैस है या फिर नहीं जान सकते हैं। इसको आज हम लोग प्रैक्टिकली करके देखेंगे और समझेंगे कि क्या ये सच में पता लगाया जा सकता है कि किस में कौन सी गैस है, इसके स्टैंडिंग प्रेशर से क्या पता लगाया जा सकता है या नहीं लगाया जा सकता है। तो अब यहाँ पर हम लोग इसका स्टैंडिंग प्रेशर नापेंगे और देखेंगे कि सच में ये बता पाता है कि ये कौन सी गैस है या नहीं बता पाता है। तो चलिए ये देखिए, हमारे पास एक गैस है जो कि R134 गैस है और ये जो हमारी गैस है इसमें एक गैस है जो कि ये जो गैस 410 गैस है और इसमें इस सिलेंडर में जो गैस है ये R22 गैस है। तो चलिए पता लगाते हैं, इसमें लगाते हैं, टेस्टिंग करते हैं और चेक करते हैं क्या रियल में बता पाता है या नहीं बता पाता। तो ये हमारे पास है एक मैनिफोल्ड गेज जिसमें कंपाउंड गेज और प्रेशर गेज दोनों लगे हुए हैं और ये हमारे पास एक है कंपाउंड गेज जो कि सिंगल है। तो इन तीनों गेजों का प्रयोग इन तीनों गैसों पर किया जाएगा और पता किया जाएगा। तो चलिए इसको पहले हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं, कंपाउंड गेज को यहाँ पे लगा देते हैं और इस वाले गेज को हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे। फिर उसके बाद ये जो हमारे पास एक गेज है सिंगल गेज, इसको लगा देते हैं इस वाले पे। अब इन तीनों गैसों को हम लोग खोलेंगे और चेक करेंगे कि इसका प्रेशर कितना बता रहा है, क्या रियल में इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है उतना बताता है या फिर कम ज़्यादा बताता है, या गैस कम होने पे कम बताया गया, ज़्यादा होने पे ज़्यादा बताया, देखते हैं। तो अब यहाँ पे ये हो चुका है, तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे अपने इस R134 गैस के प्रेशर को कि ये कितना बता रहा है। तो इसका स्टैंडिंग प्रेशर होता है 80 PSI के लगभग, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग खोलते हैं गैस को और चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये खुल चुका है, थोड़ा लीक भी कर रहा है, लीकेज बंद हो चुका है। और यहाँ पे देखते हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 80 PSI, इसका जो 80 PSI प्रेशर होता है स्टैंडिंग प्रेशर, वो 80 PSI एकदम सीधा सीधा बता रहा है यहाँ पे। इसका मतलब है कि क्लियर है कि इसमें उससे भी गैस थोड़ा कम ही है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 80 PSI पूरा बता रहा है। मतलब कि ये हमें पता चल गया है कि अब इसमें जो गैस डाली गई है, मतलब इसमें जो गैस है वो R134 एक गैस है। एक तो क्लियर हो गया 101%। आगे इसको देखते हैं ये बता पाता है या नहीं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो गैस है ये 410 गैस है और इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है ये 260 से 270 PSI के आसपास होता है। तो चलिए अब इसको हम लोग चेक करते हैं इसको भी। तो ये हमारा जो हैंडल ना ये बंद हो रहेगा तभी बताएगा, वरना फिर गैस यहाँ से निकल जाएगी। तो चलिए इसको खोलते हैं और चेक करते हैं कि ये कितना बताता है। तो खोलते हैं इसको, तो ये खुल चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो प्रेशर है ये बता रहा है 250, ये है 225 PSI यहाँ पे बता रहा है, जबकि इसका जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है ये होता है 260 से 270 PSI। फिलहाल यहाँ पे 225 PSI यहाँ पे बता रहा है। तो ठीक है, अभी फ़िलहाल इसमें 410 है और इसमें पता करने जा रहे हैं कि इसमें हमारे जो 22 गैस है इसका कितना प्रेशर बता रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जो प्रेशर बताता है ये बताता है 150 से 180 PSI के बीच में, ठीक है। तो देखते हैं, इसको खोलते हैं और खोल के देखते हैं कि यहाँ पर क्या बताता है, सच में उतना बताता है या फिर कम ज़्यादा बताता है। तो चलिए खोलते हैं, यहाँ पर ये खुल चुका है और अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे, ठीक है, ओपन, ये ओपन हो चुका है। और यहाँ पे हम देख लें तो यहाँ पे बता रहा है 130 PSI, जबकि इसका प्रेशर होता है 150 से 180 PSI, मतलब कि थोड़ा कम बता रहा है। लेकिन ये तो फाइंड क्लियर कर सकते हैं, 100% क्लियर कर सकते हैं कि इसमें से जो 22 गैस है वो 22 गैस यही है, मतलब कि 22 गैस ये है और ये हमारी 410 गैस है। अगर हमने
ये क्लियरली हमें ये पता होगा कि इसमें R410 गैस एक में डाली गई है और एक में 22 गैस डाली है, तो इन गैस डाली गई तो इन दोनों गैसों में अगर फाइंड करना होगा कि कौन सा इस सिलेंडर में कौन सा 22 गैस है और कौन 410 गैस है, तो आप 101% क्लियर कर लेंगे कि जिसका प्रेशर ज़्यादा बताएगा इसमें से वो 410 गैस है और जिसका प्रेशर कम बताएगा वो R22 गैस है। लेकिन अगर यहीं पे 32 गैस को भी रख दिया जाए, फिर का पूछा जाए बताओ इसमें से कौन R32 गैस है, कौन 410 गैस है और कौन R22 गैस है, तो R22 का तो क्लियर हो जाएगा, बट दोस्तों ये R32 और 410 गैस दोनों का प्रेशर लगभग सेम है, तो इसमें आप फाइंड नहीं कर पाएंगे कि इसमें 410 कौन है और 32 कौन है, तो इसमें क्लियर नहीं कर पाएंगे। तो और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा ये वाला गैस था R134 है फ्रिज वाला, तो ये एकदम सही बता दिया, मतलब 80 PSI बताया है, एकदम ठीक बताया है। तो मतलब कहने का मतलब ये है, आप इस चीज़ से एग्जैक्ट पता नहीं कर सकते हैं कि इसमें से 410 कौन है और 32 कौन है, ठीक है, लेकिन ये पता कर सकते हैं कि R22 कौन है और R32 कौन है, ये पता कर सकते हैं कि R22 कौन है और R410 कौन है, ये पता कर सकते हैं अगर दोनों में से कोई भूल गए तब। और फिर उसके बाद अगर आपके पास 600 गैस है और R134 से गैस है, इसको भी पता कर सकते हैं क्योंकि R134 का जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है ये होता है 80 PSI के आसपास, और जो हमारे R600 गैस का प्रेशर होता है स्टैंडिंग वो होता है 40 PSI, इसमें भी क्लियर कर सकते हैं। तो मतलब एग्जैक्टली तो नहीं पता कर सकते हैं, लेकिन कुछ केसेस में आप पता कर सकते हैं इसके स्टैंडिंग प्रेशर को नाप करके कि इसमें कौन सी गैस इस सिलेंडर में डाली गई है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये नापा जाता है, तो कितना सही है और कितना गलत है। तो बस आज के लिए इतना ही।